हेलो गाइस, आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप घर पे कैसे मॉस सीड्स बना सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। आप मॉनसून के टाइम पे कहीं पर भी देखोगे, पुराने दीवार पे भी आपको मॉस नज़र आ जाएंगे और इसे देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। मॉस में फूल नहीं होता, फिर भी ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप कहोगे मॉस में फूल नहीं आते तो सीड्स कहाँ से आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें नेकेड सीड्स होता है जो आप सुखा के भी रख सकते हो। जब भी आप प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हो, आप 5% अप्लाई कर सकते हो अपनी मिट्टी में। इसमें रूट बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। जब भी आप प्लांट में एयर लेयरिंग कर रहे हो तो सिर्फ मॉस का इस्तेमाल कीजिए, इसमें रूट बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। आप ऑनलाइन पे देखोगे इसका मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस मॉस को ड्राई करके, रिजल्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। आप लोग इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए रिजल्ट कैसा मिल रहा है। मॉस कलेक्ट करना मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसको पानी में भी साफ़ कर सकते हो, इसका थोड़ा मिट्टी अभी भी लगा हुआ है, आप चाहे तो इसमें साफ़ कर सकते हो। सबसे पहले आप एक प्लेट ले लीजिए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर रख दीजिए, उसमें मॉस डाल दीजिए। इससे मॉस बहुत ही जल्दी सूखता है। आप धूप में ना रख के इसको सेमी शेड में रखें तो ये जल्दी सूख जाएगा। आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हो, लेकिन इसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं घर पर ही सुखाता हूँ इसको सेमी शेड में। आप देख सकते हो 3 दिन के बाद ये सूख के रेडी हो चुका है। मैं इसको छोटा छोटा करके डिवाइड कर दूंगा क्योंकि यूज़ में बहुत ही इजी रहता है। आप देख सकते हो अभी कितना अच्छा दिख रहा है। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दीजिए और साल भर इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।